हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना होम गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जिस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ वो एक दिव्य औषधि है और धरती पर अमृत के समान गुणकारी है। इसका नाम है गिलोय। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे निर्गुंडी, अमृतवली, नीम गिलोय, मधुपर्णी। भारत में अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसके इस तरह के पत्ते होते हैं और ये एक बेल की तरह चढ़ती है। फ्रेंड्स, एक लता होती है ये। इसको रस्सी से बांधकर मैंने ऊपर चढ़ा रखा था छत पर। ये आपको दिखाने के लिए अभी मैं नीचे लाई हूँ। फ्रेंड्स, प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत कलश निकला था, तब उस अमृत कलश को लेकर राक्षस भागा, तो जहाँ जहाँ भी अमृत की बूंदें गिरी वहाँ वहाँ ये अमृता, ये गिलोय पैदा हो गई थी। तो दोस्तों, वास्तव में ये अमृत के समान ही गुणकारी दिव्य औषधि है, क्योंकि ये कई बीमारियों में काम आती हैं और इसका सेवन करने से बीमारियाँ जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। जैसे कि लीवर की कमज़ोरी हो या शरीर में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए यह सबसे कारगर औषधि है। और पुराना से पुराना बुखार हो, पीलिया हो, टीबी हो या मलेरिया हो, वायरल बुखार हो और डेंगू चिकनगुनिया में भी ये बहुत ही कारगर है। एनीमिया, खून की कमी हो और शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, जोड़ों में दर्द हो और आर्थराइट्स हो या कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो, एलर्जी वगैरह में भी इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सर्दी खांसी कफ हो, खून को साफ भी करती है फ्रेंड्स और शरीर को बैक्टीरिया जनित रोगों से सुरक्षित रखती है। वात पित्त कफ को संतुलित रखती है। ये मोटापा और डायबिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। इसके प्रयोग से इम्यूनिटी बढ़ती है। जिनको बार बार सर्दी खांसी बुखार होता हो या उनके शरीर में किसी भी प्रकार का बार बार रोग हो जाता हो, ऐसे लोगों को इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये जो है शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाती है। और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। हम सबको इस बेल को अपने घरों में ज़रूर लगाना चाहिए। ये एक दिव्य औषधि है। इसकी सूखी लता का पाउडर बनाकर उपयोग किया जाता है या फिर ताज़ी लता का काढ़ा बनाकर प्रयोग में किया जाता है, लिया जाता है फ्रेंड्स। और इससे कई प्रकार की दवाइयाँ बना जाती है। इस बेल को किसी पेड़ या नीम के पेड़ के नीचे लगा दी जाए तो इसके और भी ज़्यादा गुण बढ़ जाते हैं। इस गिलोय की छोटी से छोटी कटिंग भी चल जाती है। इसके आप बारिश के दिनों में भी कटिंग लगा सकते हैं, जो आसानी से चल जाएगी फ्रेंड्स। कटिंग लगाकर आप इसको पूरी तरह से शेडी एरिया में रखें और जब इसकी नई नई पत्तियां निकलने लगे तब इसको आप फुल धूप में रख सकते हैं। इसकी फुल सनलाइट में ही अच्छी ग्रोथ होती है। पानी इसे दिन में एक बार ज़रूर दें और बाकी इसको खाद देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप गमले में लगा रहे हैं इसलिए साल में एक बार गोबर की या वर्मी कंपोस्ट की खाद ज़रूर दें। फ्रेंड्स, ये सड़कों किनारे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है और ये जंगल में पाई जाने वाली एक औषधि है जो बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसे नर्सरी से ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे सड़क के किनारे कहीं भी देख सकते हैं, पेड़ों पर चढ़ी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी तरह ही दिखने वाली और भी बेल होती है जो कई बार जहरीली भी होती हैं। तो आप इसे पहले अच्छे से पहचान ज़रूर कर ले फ्रेंड्स। इसके पत्ते जो है इस तरह से दिखते हैं और इसकी लता जो है इस तरह से दिखती है फ्रेंड्स। ये इस तरह की होती है। इस पे कुछ डॉट डॉट से निशान भी बने हुए हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप इस गिलोय को, इस अमृता को अपने घर में ज़रूर लगाएं और इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हमारे लिए।
ओके फ्रेंड्स, ये थी गिलोय के बारे में पूरी जानकारी। अगर मेरा ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।